Shut up and sit down. Hi, my name is Pranav Pachauri. और आप क्या करते हैं? Well, basically I'm an actor. Yeah, and I'm living in Bombay right now. तो आप कहाँ से हैं? मैं हूँ actually UP, अलीगढ़ से. But currently I'm staying in Mumbai from last 3 years. तो as an actor आपने क्या-क्या किया है मुंबई में? अभी तक मैंने काफी serials करे हैं. And lastly I was the winner of the Kapil Sharma show, जो नया start हुआ था Family Time with Kapil Sharma. उसके opening show का मैं winner था. So I got the prize and all that. So, and recently I've done couple of ads, TVCs, and like many serials and movies, Hindu Sarkar with the Madhur Bhandarkar. So that's all. तो कैसा था आपका experience? मतलब अच्छा था, बुरा था, कैसा था? Experience wise, it was good because आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं और especially जब आप किसी छोटे town से आप इतनी बड़ी city में आते हो, तो एक वो journey होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है. तो वो एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट बुरे एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, अच्छे एक्सपीरियंस से आप समझते हो. तो इसलिए एक्सपीरियंस कोई भी हो, अच्छा या बुरा, हमेशा आपके काम ही आता है. जो नए बच्चे आ रहे हैं मुंबई में एक्टिंग सीखने या एक्टिंग करने, एक ड्रीम लेके आते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो फ्रॉम द एक्सपीरियंस यू हैव गैदर्ड, आप उनको क्या सजेशन, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो मैंने देखा है या जो मैंने महसूस किया है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यही बोलूँगा, स्टार्टिंग के लिए आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देखनी पड़ेंगी कि कैसे होता है. अगर आप ये सोचो कि अगर यार मेरा कोई रिलेटिव हो, मेरा कोई फ्रेंड हो, वो मुझे काम दे दे, ये पॉसिबल नहीं है. ये किसी फील्ड में पॉसिबल नहीं है. टिल द टाइम यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तब तक हो ही नहीं सकता, चाहे वो नया हो, पुराना हो. और एक चीज़ है, लोगों को स्टार्टिंग में शायद काम मिल जाता है, अच्छी चीज़ है, मिलना चाहिए, बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि अब उनको और आगे करना है. स्टार्टिंग में सबका एक ड्रीम होता है कि काश मैं एक बार टीवी पर आ जाऊं. ठीक है, एक बार तो आप आ गए, बट नेक्स्ट क्या, वो मैटर आपके लिए सबसे ज़्यादा करता है. तो इसलिए अगर आप रुक गए, आपकी ग्रोथ खत्म हो गई, तो आपको रुकना नहीं है. द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो आपके साथ है, आपको रुकना है. जिस दिन आप रुक गए या फिर आपको लगा नहीं यार आई एम सेटिस्फाइड, फिर आपकी ग्रोथ खत्म. तो मेरे लिए यही बात है उनके लिए. तो एक्टिंग एक कला है, हाँ, एक आर्ट है. तो सपोज कल आप सुबह नींद से जब उठते हैं, ये जो आपकी एक्टिंग वाली कला है ये गायब हो जाती है, तो आप क्या करोगे? अगर मैंने अगर सेकेंडरी ऑप्शन रखा हो कि अगर कल को ये चीज ऐसा हो जाती है, ठीक है, तब शायद मुझे, मैं अपनी जॉब करूंगा. लाइक आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग, तो मैं उसी पर स्विच ऑन करूँगा, बिकॉज आई वॉज अ असिस्टेंट मर्चेंट इन गुड़गांव इन वेनुसन. सो आई विल गो बैक टू माई जॉब. और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है. एंड विच इज़ अ गुड साइन, अगर मैं वो भी करता हूँ, स्टिल मैं इंडस्ट्री से कनेक्ट रहूँगा कहीं ना कहीं, तो वो ज़्यादा बेटर आई थिंक. जो पहला चीज आपके दिमाग में आता है जब आप मोदी वर्ड सुनते हैं, क्या आता है आपके दिमाग में सबसे पहले? इस सवाल का जवाब तो इंटरनेट पर भी है कि अगर आप मोदी डालते हैं तो क्या आता है, राहुल गांधी डालते हैं तो क्या आता है. ठीक है, हाँ, आई नो, आपने मोदी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ मोदी बोला है. हाँ, आई नो.
तो वही मैंने बोला कि सभी को पता है इसका जवाब क्या था, तो आप कह नहीं सकते कि क्या इंटरनेट बोल रहा है, किसी को फेकू बोल रहा है, किसी को पप्पू बोल रहा है, तो आप कह नहीं सकते लाइक आपके दिमाग में क्या था जब आप मोदी शब्द सुनते हैं? अगर मैं मोदी शब्द सुनता हूँ तो उसके दो साइंस आते हैं मेरे माइंड में, अगर मैं बिल्कुल सीरियसली बात करूँ तो, पॉजिटिव भी एंड आई थिंक समहाउ नेगेटिव भी। आई एम ऑन 50-50 राइट नाउ। पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ लाइक जस्ट दो दिन पहले ही वी केम टू नो दैट इंडिया का स्टॉक मार्केट 7th हाईएस्ट हो गया, अब जर्मनी को पीछे छोड़ दिया उसने, तो वो पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव में कहूँ तो लाइक स्टैचूज एंड ऑल दैट, उन सब पर जो मनी स्पेंड हो रहा है अभी करंटली, जैसे आई केम टू नो दैट यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ पर नियर अबाउट 3000 समथिंग करोड़ स्पेंड हुआ, तो इसलिए वही है पॉजिटिव भी मैंने आपको बताया एंड आई थिंक दीज थिंग्स, ये नेगेटिव भी है यहाँ पर। तो क्या आपको लगता है 70 साल काफी नहीं है एक देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए? मतलब क्या कर क्या रही है हमारी सरकार जो इतने 70 साल से सरकार चला रहे हैं, जो भी है अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है, 70 साल बहुत लंबा टाइम होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप किसी भी कंट्री को डेवलप्ड हो, ऑब्वियसली इंडिया हो चुका होता, 93 में ग्लोबलाइजेशन आया, एलपीजी की पॉलिसीज आई, सारी चीज़ें हुआ, वो अच्छे साइन थे। बट एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हर 5 साल बाद एक सरकार बदल जाती है और फिर वो सरकार अपने नेक्स्ट किस तरीके से रूल करे वो उसके पीछे लगती है। अगर हमारे यहाँ शायद जो अच्छा भी है, जो कहीं ना कहीं बुरा भी है, जिस वजह से कई बाहर की कंपनीज है जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको पता है 5 साल बाद सरकार चेंज हो जाएगी, जो अभी रूल्स हैं वो बाद में नहीं रहेंगे, फिर दोबारा जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको प्लीज करना पड़ेगा इन लोगों को, तो इसलिए कई लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट आज भी नहीं करना चाहते। बाहर की कंपनीज की मैं बात करूँ तो वो प्रीफर करेंगे चाइना में चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ सेम रूल्स रहने वाले उनके, ठीक है, चीज़ों में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी की सप्लाई हो, उनको पता है। और यहाँ पर हर कोई जानता है बिना ब्राइब के यू कांट डू एनीथिंग, गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, यू हैव टू गिव हिम अ ब्राइब एनी हाउ, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो 70 साल बहुत लंबा टाइम होता है, हम डेवलप्ड हो चुके होते, गलतियां हमारी भी रही हैं, हमने गलत सरकार चुनी, गलतियां हमारी रही हैं, ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ें कह दूँ नहीं सरकार गलत है, नहीं, हमसे भी गलतियां हुई हैं कि हमने शायद गलत पार्टी को हमने पावर दे दी, तो इसलिए वो धीरे धीरे सीख होती है जो हर इंसान सीखता है। तो मे बी लाइक राइट नाउ वी आर इन दैट कंडीशन कि हम शायद फॉरवर्ड हो रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअल, बट स्टिल वी आर इन अ रेस एंड सून वी विल बी डेवलप्ड। तो आपके हिसाब से कितना साल लगने वाला है हमें डेवलप कंट्री बनने के? एग्जैक्ट टाइमिंग तो आई डोंट थिंक सो कोई बोल सकता है कि इंडिया में कि आपको एग्जैक्ट कितना लगेगा कि भाई 5 साल 10 साल। अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं नहीं नेक्स्ट 5 ईयर्स लाइक 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर मैं कहता हूँ नहीं नहीं नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं हमारी इंडिया डेवलप्ड हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा, हाँ ये चीज़ है, चेंजेस आ गए हैं, आ रहे हैं बिकॉज ऑफ यूथ, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड सारी चीज़ें लोगों को पता चल जाती हैं कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। मीडिया बहुत हो गया है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडिया फेयर है, नहीं मीडिया फेयर नहीं है, ये भी चीज़ है हमारे यहाँ, इट डिपेंड्स कि मीडिया आपको क्या दिखा रहा है, और लोग ऑब्वियसली वो चीज़ फॉलो करते हैं जो वो देखते हैं, जिनको वो दिखाया जाता है, तो वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है। और टाइमिंग कोई नहीं बोल सकता कि कितने टाइम में इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा। तो आज मेरे मुताबिक पे आके आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड दैट यू गाइस कॉल्ड मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस कि मैं यहाँ पर आया, बिकॉज मेरे मुताबिक शो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, एक सोच है जो यंगस्टर्स की है, तो इसलिए मेरे मुताबिक जो मैं यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ स्पेशली वो ये है कि 2019 में इलेक्शंस हैं, सब लोग जानते हैं, और अब अपकमिंग स्टेट्स में भी इलेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, सबको पता है बात। मेन चीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ होता है वो होता है इलेक्शंस में घोटाला, सबसे ज़्यादा उसका रीज़न है फेक वोटर आईडीज, फेक नाम्स जो लोग यूज़ करते हैं अपने इलेक्शंस में, बिकॉज इलेक्शन अगर आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो दो तरीके से होते हैं, एक तो पोलिंग बूथ होता है, एक पोस्टल बूथ होता है, बट पोस्टल बूथ में स्पेशली वो उन लोगों के लिए होता है जो वहाँ पर नहीं आ सकते, लाइक आर्मी ऑफिसर्स एंड ऑल दैट, जो स्पेशली कहीं बाहर हैं, अपनी जॉब पर हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए होता है।
और पोलिंग बूथ आप सभी को पता है। तो मेरा जो कहना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो ये है कि गवर्नमेंट को वोटर आईडीज बैन कर देनी चाहिए इलेक्शंस के टाइम पर, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फेकनेस होती है। अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आप अपना वोटर आईडी लेकर जाते हैं और आप सबको पता है ये बात, मैं भी जानता हूँ, आपको भी पता है, वोटर आईडीज आज के टाइम में ऐसे लाइक क्विक इतनी जल्दी बन जाता है। शायद किसी का जान पहचान है तो वो जाते भी नहीं, वो ऑफिस भी नहीं जाते, उनके घर पर वोटर आईडी आ जाता है, ये होता है, मैंने देखा ये चीज़। तो मेन बात जो है वोटर आईडी बैन होनी चाहिए और उसका एक ऑल्टरनेट भी है हमारे पास, शायद हम लोगों को दिखता नहीं है या हम लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं किसी तरह से। उसका ऑल्टरनेट है आधार कार्ड। अगर हम आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वोट देने के लिए तो फिर आधार कार्ड का सबको पता है एक नंबर होता है, अगर हमने एक बार वोट दिया और वो नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो नंबर लॉक हो जाएगा और लॉक होने के बाद जिस इंसान का वो आधार कार्ड है वो दोबारा वोट नहीं दे सकता। सिंपल, ये सबसे बेस्ट है। और आधार कार्ड सबको पता है कि दोबारा नहीं बनता बिकॉज ऑफ थंब इंप्रेशन एंड ऑल दैट, उसमें बिल्कुल आपकी डिटेल जो होती हैं जेन्युइन होती हैं। अगर किसी का आधार कार्ड खो भी जाता है तो उसको दोबारा निकलवाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें उसमें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन वोटर आईडी में नहीं होता। डेली हम न्यूज़ में देखते हैं कि फेक वोटर आईडीज़ बॉक्सेस में बाहर रोड पर पड़ी हुई हैं, सबको पता है ये चीज़। कई न्यूज़ में आता है कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे इतने फेक वोट डले, एक सबका एक अपना अपना परसेंटेज होता है, हर गवर्नमेंट ये यूज़ करती है। तो इट्स बेटर कि हम आधार कार्ड को लेकर आएँ। मेरे मुताबिक ये है कि आधार कार्ड आएगा इलेक्शन के वक्त तो बिल्कुल जेन्युइन वोटिंग होगी, फेकनेस मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एटलीस्ट अगर 50% है तो बहुत कम होगी, बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट निल पर आ जाएगी। अब थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो करेगा ही ना अगर उनको वोट चाहिए तो। और ऐसा नहीं है कि ये बात उठी नहीं है कहीं या फिर ये बात मीडिया में नहीं आया, आया है। पहले हमारे यहाँ के जो कुछ समझदार नेता हैं, जब मैं कहूँगा समझदार लोग हैं, उनके समझ में ये बात आ गई थी कि अगर ऐसा हो गया, आधार कार्ड अगर आ गया वोटिंग वोटर आईडी की जगह, तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए, उनका जो सारा नेटवर्किंग है सारा धंधा है वो बंद हो सकता है। तो इसलिए इस मसले पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, बहुत आर्ग्यूमेंट हुए हैं और ये जो डिसीज़न है ये एक्चुअली कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ा है। शायद आप लोगों में से कई लोगों को ये बात पता भी नहीं है बट ऐसा हुआ है। तो अब जो फाइनल डिसीज़न आएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमें वोटर आईडी यूज़ करना है या आधार कार्ड यूज़ करना है। लेट्स सी, मेरे मुताबिक जो है मैं यही कहूँगा कि आधार कार्ड यूज़ करना चाहिए और मैं आप लोगों को भी यही बताऊँगा या फिर आपसे मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि आप भी आधार कार्ड के लिए ही बोलें बिकॉज वो एक बिल्कुल जेन्युइन वोटिंग होने के लिए हमारे लिए अच्छा है। अगर आज के लिए हम अपना गवर्नमेंट अच्छी चुनते हैं ऑब्वियसली वो फ्यूचर हमारा होगा। ये नहीं है कि लाइक मैंने देखे हैं कुछ लोग होते हैं बैठे होते हैं वो कह देते हैं कि हमको क्या, वो ये कर रहा है हमको क्या, नहीं हमको है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, चीज़ें मैटर ये करती हैं। अगर आप 60 साल 80 साल के किसी वृद्ध इंसान के हाथ में, वृद्ध नेता के हाथ में आप इलेक्शन की अपनी सीट्स दे देते हो कि नहीं यार हमें नहीं जाना पॉलिटिक्स में, आप लड़िए, क्यों हम क्यों नहीं जा सकते, यूथ क्यों नहीं जा सकता, एक्सपीरियंस्ड है, विल पावर है, जोश है, क्या नहीं होता, बिल्कुल हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो आपसे अपील है वो यही रहेगी कि आप प्लीज़ वोटर आईडी के लिए ही रहें। और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में फेकनेस हर चीज़ में होती है, आपको ये पता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो इतना ज़्यादा हो गया फेकनेस पे, किसी भी न्यूज़ को आप शेयर करते हो, ठीक है, धीरे 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 सबको पता है कि यूएस में जब चीज़ें हुई थी तो कैसे हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप अगर पावर में कैसे आए थे, मार्क जुकरबर्ग पर केस हुए क्यों हुए, सबको पता, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप प्लीज़ डिजिटलाइजेशन अच्छी चीज़ है बट आप उसकी जांच पड़ताल करें कि क्या सही है क्या गलत है, तब उस पर कोई डिसीजन लें। कोई चीज़ अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी को व्हाट्सअप पर या फिर वही फेसबुक पर इंस्टाग्राम एनीवेयर, तो फिर उसको देख दाख कर करें, ऐसे नहीं कि लाइक आपने रेंडमली कर दिया। सो मेरे मुताबिक तो फाइनली यही है कि मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि वोटर आईडी की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल करवाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू। जो फाइनल कंक्लूजन है मेरा,
आप लोगों से बात करने का या फिर इस शो पर आने का मेरे मुताबिक में वो यही है कि वोटर आईडी बैन करो हर तरीके से, बिल्कुल यूज नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के टाइम पर, तो बिल्कुल भी यूज नहीं होनी चाहिए, आधार कार्ड ही यूज होना चाहिए। मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर आया मेरे मुताबिक में ये बात कहने के लिए, और शायद आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे, तो आपको भी आगे आना चाहिए। जब हम सब मिलकर अगर बात को स्ट्रांगली रखेंगे कोर्ट के सामने, तो कोर्ट को ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि जब गवर्नमेंट नहीं चाहती लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता है पब्लिक है वो चाहती है ये चीज़, तो फिर कोर्ट को ये डिसीजन रखना पड़ेगा, उनको पता है कि ये सही है। तो इसलिए आई थिंक यही होना चाहिए, वोटर आईडी बैन और आधार कार्ड का यूज़। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड मतलब मैं बहुत दिन से ये चीज़ सोच रहा था, मैं सुन रहा था, इसलिए मुझे कोई बोलना था, क्योंकि मेरे साथ के लोग हैं, सब काम करते हैं हम सब लोग, तो कोई कुछ बोलता है यार ऐसा है वैसा है, अब इलेक्शन आएंगे ये होगा वो होगा, बट वो सब चीज़ मैं सुनता जा रहा था और मैं भरता जा रहा था, आई नीड टू थ्रो इट आउट, तो मैंने किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, द लाइक Thank you. Shut up and sit down.